हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब मजे में होंगे। मैं हूँ आकाश और आप देख रहे हैं भारद्वाज न्यूज, ओनली नॉलेज फैक्ट्स एंड न्यूज। तो गैस, देश को जल्द ही देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे मिल सकता है। सरकार दिल्ली से जयपुर के बीच में 200 किलोमीटर लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय मंत्री सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के दौसा में इसकी घोषणा की। इस हाईवे पर सभी वाहन जो होंगे वो इलेक्ट्रिक वाहन ही होंगे। इसमें पैसा भी बचेगा और प्रदूषण भी कम होगा। केंद्रीय मंत्री की इस घोषणा को देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की राह में भी बड़ा कदम माना जा रहा है। तो सबसे पहले तो समझते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रिक हाईवे दरअसल होता क्या है। आसान भाषा में समझें तो एक ऐसा हाईवे जिस पर इलेक्ट्रिक वाहन ही चलते हों वो इलेक्ट्रिक हाईवे कहलाता है। आपने ट्रेन के ऊपर एक इलेक्ट्रिक वायर लगा देखा होगा। ट्रेन के इंजन से ये वायर एक आर्म के जरिए कनेक्ट होता है जिससे पूरी ट्रेन को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलती है। और इसी तरह हाईवे पर भी इलेक्ट्रिक वाहन लगाए जाएंगे। हाईवे पर चलने वाले वाहनों को इन वायर से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, इसलिए ही इसे इलेक्ट्रिक हाईवे कहा जाता है। इस हाईवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए थोड़ी थोड़ी दूर पर चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। गाइस, सरकार ने साथ में घोषणा की है कि देश का पहला ई हाईवे दिल्ली और जयपुर के बीच में जो बनाया जाएगा वो 200 किलोमीटर लंबा होगा और ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के साथ ही एक नई लेन पर बनाया जाएगा। ये लेन पूरी तरह इलेक्ट्रिकल होगा और इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही चलाए जाएंगे। सरकार इसके लिए स्वीडन की कंपनियों से बात कर रही है। पूरी तरह तैयार होने के बाद ये देश का पहला ई हाईवे होगा। अब ई हाईवे से दोस्तों फ़ायदा क्या होगा? ई हाईवे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें वाहनों की आवाजाही सस्ती होगी। नितिन गडकरी ने कहा कि ई हाईवे से लॉजिस्टिक कॉस्ट में 70% की कमी आएगी। फिलहाल चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी होती है, और जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही कम हो जाएगी तो चीज़ें अपने आप सस्ती मिलने लगेंगी। और ये पूरी तरह दोस्तों इको फ्रेंडली भी होगा। वाहनों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाएगा जो पेट्रोल डीजल के मुकाबले सस्ती होगी। पर्यावरण में भी कम हानिकारक ये होगी। और साथ में दोस्तों पेट्रोल और डीजल पर जो लोगों की निर्भरता है, जिसकी वजह से डिमांड और हाई होने की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो जब इलेक्ट्रिकल हाईवे शुरू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल की भी डिमांड कम होगी और उनके रेट भी सस्ते होंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो एक योजना तो सरकार की ये काफ़ी अच्छी है ई हाईवे की, और उम्मीद करते हैं जल्दी ये बनकर तैयार हो जाए और लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और भारद्वाज व्यूज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की।